दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने मेरे पीसी बिल्ड वाले वीडियोस देख के मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया था, वो लोग ये सोच रहे होंगे कि आजकल मैं अपने चैनल पे कोई पीसी बिल्ड वाला वीडियो क्यों नहीं डाल रहा हूँ। इसके पीछे बहुत सॉलिड रीजन है, इसके बारे में मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के टाइम में गेमिंग पीसी बिल्ड करना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है और कहीं ना कहीं यही एक वजह बन जाती है जिसकी वजह से मैं अपने चैनल पे पीसी बिल्ड की वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने कुछ दिनों पहले अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था, बेस्ट पीसी अंडर 10,000, और उस वीडियो को बहुत सारा प्यार आप लोगों ने दिया। उस वीडियो पे 6 लाख से ऊपर व्यूज हैं और बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे उसी वीडियो से आए थे मैंने, जो 10,000 के अंदर i5 पीसी एक बिल्ड किया था। और एक्चुअल में वो पीसी लगभग 9,500 के आसपास बिल्ड हुआ था, उसमें सब कुछ मैंने आपको विथ प्रूफ दिखाया था और उस समय वो चीजें मिल जाती थी। वो ये लगभग 1.5 साल पहले की बात है, लेकिन अभी के टाइम में कोई भी पीसी बिल्ड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। कुछ दिनों पहले तक मैं अपने चैनल पे पीसी बिल्ड की वीडियो डालता था जिसमें मैं आपको बजट में एक पीसी बिल्ड कराने की कोशिश करता था। तो मेरे व्यूअर ऐसे थे जो कम प्राइस में एक बढ़िया पीसी ढूंढ रहे थे कि उनको पैसे कम खर्च करने पड़े और उनको एक अच्छा सा पीसी अपने वर्क के लिए मिल जाए। लेकिन आज के टाइम में कम प्राइस में कोई सा भी पीसी आप बिल्ड नहीं कर पाएंगे, चाहे वो एक एंट्री लेवल ही पीसी क्यों ना हो। पहले ऐसा होता था कि अगर आपके जेब में 20,000 भी रुपए हैं तो आप एक एपीयू के ऊपर गेमिंग पीसी बिल्ड कर पाते थे। जैसे राइजन सीरीज वगैरह के प्रोसेसर आते थे, AMD राइजन के जो APUs आते थे सस्ते प्राइस में, उन पे आप आराम से 20,000 के प्राइस पॉइंट पे 8GB रैम के साथ कोई भी गेमिंग पीसी बिल्ड कर सकते थे जिसपे आप नॉर्मल गेमिंग कर पाते। या इंटेल के प्रोसेसर के साथ भी आप ग्राफिक कार्ड लगा के 20,000-25,000 के प्राइस पॉइंट पे आप पीसी बिल्ड कर पाते थे पहले। लेकिन आज के टाइम में प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि पीसी पार्ट्स की प्राइजें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि आज के टाइम में मुश्किल हो गया है कोई भी गेमिंग पीसी बिल्ड करना। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि 1660 Ti ग्राफिक कार्ड ही अगर आप लेने जाएंगे तो ये लगभग आपको 50,000 रुपए का पड़ेगा, जबकि मैं अपने चैनल पे जो वीडियो डालता था वो ज्यादातर गेमिंग पीसी अंडर 15,000, गेमिंग पीसी अंडर 20,000 इस टाइप की वीडियो में अपलोड करता था। तो मेरे व्यूअर उस टाइप के हैं जो कम प्राइस में पीसी चाहते थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक ग्राफिक कार्ड ही जब 50,000 में खरीदेंगे तो सोच लीजिए कि पीसी की प्राइस कहाँ तक जाएगी। और बात सिर्फ ग्राफिक कार्ड के नहीं है, यहाँ पे जितने भी पार्ट्स हैं, 240GB SSD एक बार सेल के दौरान 1950 रुपये में खरीदा था और नॉर्मली 240GB की SSD जो साटा SSD होती है वो 2300-2400 रुपये में मिल जाती थी Amazon के ऊपर। लेकिन अभी के टाइम में कोई भी 240GB SSD 3,350 के आसपास आपको मिलेगी। तो प्राइस का बहुत बड़ा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। रैम की कीमतें भी बढ़ गई, हालांकि रैम की कीमतें अब थोड़ी सी कम हो रही है। जो पुराने जनरेशन के प्रोसेसर आते थे 3rd generation 4th generation, वो प्रोसेसर भी अभी महंगे हो गए। ऑफलाइन मार्केट में भी अगर आप ढूंढने जाएंगे तो i3 3rd generation जैसा प्रोसेसर, जो कि मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था, जो i3 कंप्यूटर मैंने बिल्ड किया था अपने शॉप के लिए, वो कंप्यूटर i think 10,000 के आसपास मैंने बिल्ड किया था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। लेकिन अभी अगर i3 3rd generation भी आप बिल्ड करने जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन वो प्रोसेसर एक बार तो सस्ता हुआ था जब मैंने वीडियो डाला था, 1600-1700 के आसपास ऑनलाइन मिल रहा था, लेकिन अभी के टाइम में उसकी भी प्राइजें ऑनलाइन बढ़ चुकी हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि मैं अब कोई ऐसी बिल्ड आप लोगों को नहीं दे पाऊंगा जिसमें बजट में यानी कि 10-15,000 और 20,000 के अंदर आप लोग कोई अच्छा पीसी बना सकें। तो इसीलिए मैं पीसी के ऊपर वीडियो नहीं डाल रहा हूं कि मैं वीडियो भी डालूं और उसमें आपके बजट में कोई पीसी फिट नहीं बैठे, मैं 50,000-1,00,000 का बिल्ड आपको सजेस्ट करूं तो मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है आपको। मेरे कम प्राइस में पीसी बिल्ड करने की वजह से ही आप लोगों ने मेरे उस वीडियो को पसंद किया था और अब मैं यहां 50,000 और 1,00,000 और 1.5 लाख की पीसी बिल्ड आपको बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई इस टॉपिक पे इंटरेस्टेड होगा। इसलिए मैंने पीसी बिल्ड पे आजकल वीडियो बनाना छोड़ दिया। पीसी पार्ट्स वापस से सस्ते होंगे तो पीसी पे भी वीडियोज आएंगी, लेकिन फिलहाल अभी भी जो मैं मोबाइल फोन से रिलेटेड वीडियो डालता हूं वो भी काफी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मेरा खुद का मोबाइल रिपेयर का शॉप है। ये मैं बहुत सारे वीडियोज में बोला हूं कि मेरा खुद का मोबाइल रिपेयर का शॉप है और मोबाइल फोन के बारे में मुझे पीसी से कहीं ज्यादा नॉलेज है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जैसे आप लोग मेरी कंप्यूटर वाली वीडियोज को प्यार देते थे, वैसे आप लोग मेरी मोबाइल वाली वीडियोस को भी प्यार दें। और कोई सवाल हो मोबाइल फोन से रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम हो आपके, या किसी नए फोन के बारे में कुछ पूछना हो तो आप लोग बेधड़क कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जिस टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे उस टॉपिक पे आगे वीडियो बनाने की। अगर वापस से कीमतें सामान्य होती हैं तो मैं कोशिश करूंगा बजट में पीसी बिल्ड बनाने की, लेकिन अगर प्राइस वैसे ही बढ़ी हुई रहती है तो कोई फायदा नहीं है वीडियो बनाने का, क्योंकि सस्ते में हम कोई बिल्ड बना नहीं पाएंगे। अगर आप आज के डेट में एक नॉर्मल पीसी भी बनाने जाते हैं तो 30,000 से नीचे आप i3 पीसी
पीसी नहीं बना पाएंगे अगर नए जनरेशन का बनाने जाते हैं तो। और जो राइजन के प्रोसेसर थे वो तो आजकल मिल ही नहीं रहे हैं। राइजन के जो एपीयू आते थे, राइजन के जो 7-8 हज़ार 9 हज़ार तक के जो एपीयू आते थे जिसमें कि सीपीयू और जीपीयू दोनों का कम्बिनेशन रहता था, वो तो आजकल मिल ही नहीं रहे। राइजन के जो प्रोसेसर कुछ अवेलेबल हैं वो काफ़ी हाई प्राइस पे हैं, 20,000 से ऊपर ही कोई सा भी राइजन का आपको प्रोसेसर आज के डेट में मिलेगा। जो पहले वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर आते थे, एपीयू आते थे, वो तो आजकल मिल ही नहीं रहे हैं। इसलिए आजकल आप एएमडी का भी कोई सा भी कंप्यूटर कम प्राइस में बिल्ड नहीं कर सकते। इंटेल आजकल एएमडी से सस्ता हो गया है, ऐसा भी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इंटेल के कुछ प्रोसेसर 10,000 से नीचे आपको मिल जाएंगे। जैसे i3 10th जनरेशन हो गया, ये 10,000 से नीचे आपको मिल जाएगा प्रोसेसर, या 10,000 तक के आसपास मिल जाएगा जिसमें IGPU लगा हुआ है। अगर उसके साथ आप PC बिल्ड करना चाहें तो 25-30 हज़ार रुपये में PC बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको IGPU ही मिलेगा। आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे और आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं आपके लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और हेल्पफुल वीडियोज हमेशा लेके आते रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।